और देखिए कहाँ से इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आता है, यही का रिजल्ट आया कि यहाँ पर बच्चे जो है वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रीफिंग. Today we have Mr. Sunil Kumar, who is Assistant Director at Akash Institute Ludhiana, and we have Manoj Chhabra sir, who is Academic Head of Engineering. We have Sir Parvez sir, who is Academic Coordinator of Foundation, and with us we have Agrim Manoj, who is the City Topper and have CTO rank 81, All India rank 81. In this IIT JE mains exam, right? So I would request Sunil sir to felicitate the student, and then we start the press briefing. Sir, मतलब थोड़ा नाड़ हो जाएगी सारे. हाँ जी सामने थोड़ा कमाल होता है. हाँ जी बात सामने देख के इधर सारे इधर देखना जी. पहले इधर देख लो, ये इधर इधर देख लो, इधर इधर देख के इधर सामने देख लो, इधर देखो सर. ठीक है जी, होगी जी. वेट जी, वेट वेट भैया, वेट ब्रेक है. ये एक हैंड से बाय, ये इसको दो, इस हैंड से पकड़ कर दो, इसको पकड़ कर गाइस, ये हैंड से इस वाले से भी यस यस सभी इधर थोड़ा क्लोज करके यस सर स्माइल करके यस लुक एट दिस कैमरा पे, स्माइल से विक्ट्री आ गई यस, स्माइल स्माइल स्माइल. मानो जे मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया है 2024 का, वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है इसमें. जैसा कि आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो इसमें आकाश के स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. हमारी ब्रांच से अग्रिम मनोज 81 ऑल इंडिया रैंक ले गया है, उसकी परसेंटाइल 99.998 है. इसके अलावा 24 स्टूडेंट्स और हैं जो जिनकी 99 प्लस परसेंटाइल है, तो बहुत ही शानदार ये रिज़ल्ट रहा है हमारी ब्रांच का. इसके अलावा अगर मैं अलग अलग कैटेगरीज की बात करूं, तो उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं जो 99.9 प्लस हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं 99 प्लस हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं 98 प्लस, 54 स्टूडेंट्स हैं 95 प्लस परसेंटाइल में, उसके बाद 77 स्टूडेंट्स हैं 90 प्लस परसेंटाइल में. और जेई मेंस जो पहली स्टेज होती है, इससे नेक्स्ट स्टेज होती है जेई एडवांस, उसके लिए 78 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं ब्रांच से, जो कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट है. और इसके लिए मैं पूरी ब्रांच को, हमारे जो कोलीग्स हैं जो उनको, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और क्योंकि पूरे 2 साल की उन्होंने मेहनत की और उसके बाद इस तरह का शानदार रिजल्ट आया. लेवल पे भी बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है. अभी टॉप 100 में टोटल 7 स्टूडेंट्स और उनकी रैंक है 15, हाईएस्ट रैंक है, उसके बाद 19 रैंक है, उसके बाद 25 है, फिर 34 है, 65 है, 74 है, 81 और 81 इसमें अग्रिम मनोट की रैंक है. तो ऑल इंडिया लेवल पे, पंजाब की स्टेट लेवल पे, ब्रांच लेवल पे बहुत ही शानदार रिजल्ट है. जैसे आपको पता ही है, सिटी में भी हाईएस्ट परसेंटाइल और हाईएस्ट रैंक भी अग्रिम की है. तो पूरे 2 साल की टॉप 100 में ऑल इंडिया लेवल पे 7 स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट रैंक 15 रही है. पंजाब स्टेट में भी टॉपर जो है आकाश इंस्टीट्यूट से है, उसकी रैंक 25 है, और सिटी में भी आकाश का ही स्टूडेंट टॉपर रहा है, उसकी रैंक 81 है. अग्रिम मनोज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूरे 2 साल की डट के मेहनत करके आज ये नतीजा आया, तो उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. इसके अलावा पूरे टीम मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट स्टेज जेई एडवांस के लिए भी इसी तरह की मेहनत और नियम रखें, ताकि हम फिर से एक बार इसी तरह से सेलिब्रेट करें. उसके अंदर पूरा हार्डवर्क वो आपसे डिमांड करते हैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी. आप जो टेस्ट दे रहे हो और उसमें जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वो लगातार आप क्लियर करते रहो, और
एंड तक उसको मेंटेन करके रखते हैं, बीच में कहीं पे भी गिव अप नहीं करना आपने, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी होती है, 2 साल से आप मेहनत कर रहे होते हो, फिर एंड में जाके और जो स्टडीज़ का है वो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसमें अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो लास्ट में रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं, अपने टीचर्स के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे और मोटिवेशन अपने अंदर पूरी रखेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली बढ़िया।